अरे बाबर आजम अगर जीतेगा ना गड्डी गिफ्ट करांगे मियां साहब दे। आहो मेरे वालों बाबर आजम ने गड्डी गिफ्ट है। लो जी लौंडे तैयार है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा पार्किंग का इशू। या बाबर आजम ने फरारी दे दी जो वाली नहीं हो रहा है। ये है भाई MCG और यहाँ पे लोग देख सकते हैं आप रश, इंडियन पाकिस्तानी झंडे, खैर इंडियन काफी ज्यादा है पाकिस्तानी कम है। इंडिया हैव अ बिगर स्पोर्ट बट वी आर हियर इन पाकिस्तान। ये है MCG, ये है गाइस अंदर का व्यू MCG का, शॉप के साथ ग्राउंड है। तो ये है गाइस MCG। I could be strong, survive all on my own, but now I'm बाबर योर फेवरेट जैनब। अच्छा ये जैनब मिल गई हमें वहां पे, ये फोटो सेशन करने आई हुई थी इनके साथ, एक लड़की तो इनकी सेल्फी फोटोज ले रही थी। तो पीछे मेरे साथ मैं और मेरे दोस्त फिजान था, तो उसने कहा कि भाई ये फोटो लगाएगी लगाएगी ये वाली, हमने पीछे से पूरा आना ताकि इसके थ्रू ही हम फेमस हो जाएं। फिर तो भाइयों हमने पूरे बाजू उठा के ऐसे वाजे भी दिए, जैनब है जैनब मोड़ के वेल, जैनब ने नहीं देखा भाई। खैर उसने बाद में फोटो अपलोड की तो हम वाकई ही पीछे थे, ये आप देख सकते हैं वो और मैं दो मेरे दोस्त। तो जैनब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपके थ्रू हम दुनिया को दिख सके। और जी टॉस होने में तकरीबन आधा घंटा रह गया, फिर आपको बताते हैं टॉस होने में। अभी तब तक आप Thank you.
अच्छा भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कसम से 100% लग रहा था कि यार सिदीर ने बाबर की विकेट ले लेनी है पहली बार। लो जी 160 का टारगेट दे दिया, लेकिन अब आपको दिखाएंगे एमसीजी रात के वक्त। तो जी इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया को जीतने के लिए 160 का टारगेट दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपन, उम्मीद है चेज कर नहीं हो सकेगा। Thank you.
तो जी लटके हुए मुंह के साथ आपको अलविदा कहते हैं, गुड नाइट। तो भाई जब सड़ू सा मुंह लेके बाहर निकले तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थी, लेकिन दिल नहीं कर रहा था। खैर ये एक साउथ इंडियन एक्टर नज़र आया, आप जानते ही होंगे दबंग 3 में भी विलन आए थे, मक्खी मूवी काफ़ी चली थी। फिर मैंने सोचा चलो टिकट के पैसे तो पूरे करने हैं भाई, पाकिस्तान आ रहे हैं। तो फिर भाई हमने इनके साथ एक सेल्फी ले ली, वो कहते किधर, मैंने कहा सेल्फी दो।